वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मशरूम स्टार्टर की रेसिपी, जिसका नाम है बटरी गार्लिक मशरूम। तो हम इसे स्टार्टर की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मशरूम जो है जितना देखने में अमेजिंग है, टेस्ट भी उतना ही डिलीशियस है। घर में कोई भी पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, आप इसे स्टार्टर के तौर पर बनाइए और इन्जॉय करिए। तो बिना देर किए चलते हम रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं। सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें ले लिया है वाइट होल मशरूम लिया है हमने, इसके साथ साथ हमें ले लिया है बटर का। आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं, अनसाल्टेड सॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का अनियन लिया है, साथ ही साथ हमें कुछ गार्लिक लिए हैं और इसके साथ साथ हम लेंगे ब्लैक पेपर। साथ ही हमें ज़रूरत होगी सॉल्ट की, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी कुकिंग ऑयल की, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चॉप करना है जो हमने गार्लिक अनियन लिया है, सबसे पहले बिल्कुल फाइन चॉप करना है। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप गार्लिक को ग्रेट कर लीजिए। इसके साथ हमने ले लिया है ये कोरिएंडर लीफ को, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, और साथ ही साथ हमने अनियन को भी चॉप कर लिया है। इसके साथ ज़रूरत पड़ेगी हमें हाफ लाइम का। तो ये हमने मशरूम को, होल मशरूम को अच्छे से वाश करके ले लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हीट करेंगे पैन का। तो पैन जैसा ही गर्म हो जाएगा हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और उसके साथ ढेर सारा बटर का। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा हम ऐड करेंगे अनियन का। अनियन को भी हमें शॉर्टे करना है। इसे एक से दो बार चला चला के हम इसे सॉटे करेंगे। बिल्कुल रेड हमें नहीं करना है या ब्राउन ऐसे नहीं करना है हमें, हमें बिल्कुल बस सॉटे करना है, थोड़ा सा कलर चेंज करना है। देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से कलर चेंज हो चुका है। तो इसके बाद हमने ये होल मशरूम लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे पीस भी कट कर सकते हैं, इसे 3 या 4 भाग में से कट कर सकते हैं। सारे मशरूम को हम ऐड कर देंगे और अच्छे से अनियन के साथ मिक्स कर देंगे। ये मशरूम को हमें गलाना नहीं है, मशरूम को हमें फ्राई करना है, सॉटे करना है। तो हमें इसकी जो कुकिंग है बिल्कुल हाई फ्लेम पर करनी है। आप देख सकते हैं अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। हम एक के ऊपर एक मशरूम नहीं रहने देंगे, हम ट्राई करेंगे कि सारा मशरूम हमारा पैन में हो, तभी उसका कलर जो है अच्छा आएगा। हम इसे चेक भी करते रहेंगे 2-2 मिनट पे, नहीं तो मशरूम जल जाएगा। जब मशरूम का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम ऐड कर देंगे गार्लिक का। गार्लिक को भी मशरूम के साथ सॉटे करना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मशरूम हमारा शॉर्टे हो रहा है, वैसे वैसे मशरूम का कलर चेंज होता जा रहा है और देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो इसके साथ हमें थोड़ा सा गार्लिक का सॉटे करना है। तो आप देख सकते हैं अभी गार्लिक पूरी तरह से सॉटे नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा लेमन जूस का, साथ ही साथ हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे नमक। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है उसे कुक करना है। आप देख सकते हैं ये मशरूम का कलर बहुत ही औसम आ गया है। इसके साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे पार्सले लीफ, या आपके पास कोरिएंडर लीफ हो, कोई भी आप दोनों में से, दोनों ऑप्शनल हो, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये मशरूम स्टार्टर हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अमेजिंग, और बनाने में बिल्कुल भी इसे 3 से 4 मिनट लगे, बहुत ही अमेजिंग है ये। प्लीज़ ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद कमेंट करना ना भूलिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।